तो फर्स्ट हेडिंग हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी क्या होता है। देखो इलास्टिसिटी का मतलब, जैसे आपने चीज फील की होगी कि हम रबर को लें और रबर को दोनों हाथों पे रखकर कंप्रेस करें, तो कंप्रेस करने से रबर क्या करता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है। लेकिन जैसे ही अगर हम फोर्स को रिमूव कर दें तो वो अपनी पोजीशन को फिर से गेन कर लेता है। तो क्या हम डेफिनेशन में लिख सकते हैं, क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, द बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग द फोर्स। बॉडी अपनी पोजीशन को फिर से रीगेन कर सके आफ्टर रिमूविंग द फोर्स, विच इज नोन एज इलास्टिसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी एक प्रॉपर्टी है बेटा। कैसी प्रॉपर्टी है, कह रहा है कि द बॉडी या ऑब्जेक्ट कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज साइज और शेप आफ्टर रिमूविंग फोर्स, मतलब फोर्स को हटाने के बाद बॉडी अपनी पोजीशन को फिर से क्या कर ले, गेन कर ले, उसी को कहते हैं बेटा इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सोचिए, इलास्टिसिटी की भी एक सर्टेन लिमिट तो होगी। जैसे आपने किसी इलास्टिक रबर बैंड को लिया, आप उसको खींचते रहिए, तो एक ऐसी स्टेज भी आती है जहां पर वो ब्रेक हो सकता है, ठीक है, उसको हम लोग ब्रेकिंग स्ट्रेस कहते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। अब ऐसी भी एक पोजीशन आएगी कि खींचते खींचते ऐसा होगा कि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ना आए, उसकी लेंथ बढ़ गई, अब वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन नहीं कर रहा है, तो उसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि पहला हमको टॉपिक मिला कि व्हाट इज मीन बाय डिफॉर्मिंग फोर्स। बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या हुआ, तो डिफॉर्मिंग नाम से ही कंफर्म है बेटा, क्या कर दे, स्ट्रक्चर को डिफॉर्म कर दे, तोड़ दे स्ट्रक्चर को, उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो क्या लिख सकते हो, बाय दैट फोर्स बॉडी कैन चेंज इट्स शेप और साइज। एक ऐसा फोर्स जिससे बॉडी बेटा क्या चेंज कर दे, या तो अपने शेप को चेंज कर दे या तो साइज को चेंज कर दे। आपने रबर को लिया, दोनों हाथों हथेलियों के बीच पर रखा और उसको दबा दिया, तो क्या हुआ, उसने अपने शेप को चेंज कर दिया। तो जो आप फोर्स दे रहे हो, इस फोर्स को कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। बाय दैट फोर्स द बॉडी कैन चेंज इट्स शेप और साइज, दैट फोर्स इज नोन एज डिफॉर्मिंग फोर्स। आफ्टर रिमूविंग डिफॉर्मिंग फोर्स द ऑब्जेक्ट कैन गेट्स इट्स ओरिजिनल शेप और साइज, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। डिफॉर्मिंग फोर्स के हटाते ही बॉडी ने अपने स्ट्रक्चर को बेटा फिर से रीगेन कर लिया, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। सबसे पहले साइंटिस्ट थे न्यूटन, न्यूटन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि नो बॉडी इज परफेक्ट इलास्टिक, कोई भी बॉडी परफेक्ट इलास्टिक नहीं है, रबर को छोड़कर, रबर हमारा एक्सेप्शन केस है। वैसे रिगिड बॉडी का मीन्स होता है वेयर नो डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सब्सटेंस, जब जहां पर सब्सटेंस के पार्टिकल के बीच कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो उसको हम रिगिड बॉडी कहते हैं और उसी को बेटा सॉलिड कहते हैं। लेकिन आपने एक चीज फील की होगी, जैसे वॉल हमारा सॉलिड होता है, अगर हम वॉल में हैमर से मारें तो ब्रेक हो जाता है, तो डिफॉर्म तो हो गया, लेकिन क्या अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को उसने गेन किया, अपने ओरिजिनल स्ट्रक्चर को गेन नहीं किया। तो रिगिड कौन है, रिगिड वो है जो फोर्स के रिमूव होने से अपनी पोजीशन को फिर से गेन कर ले, वो होता है रिगिड। और सॉलिड क्या है, सॉलिड इट नॉट मैंडेटरी इट कैन गेट्स इट्स ओरिजिनल साइज, ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो अपने स्ट्रक्चर को, अपने ओरिजिनल शेप को फिर से रीगेन कर सके, ठीक है, ये सॉलिड और रिगिड। लेकिन जनरल जब हम लोग बेटा पढ़ते हैं तो हम लोग सॉलिड को रिगिड मानकर ही पढ़ते हैं,
जो हम लोग थ्योरी को पढ़ते हैं उसमें क्या मानते हैं कि सॉलिड ही हमारा क्या है बेटा, रिगिड है। तो हम सॉलिड कहें रिगिड कहें उसका मींस आप एक ही समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, बाय दैट फोर्स बॉडी कैन चेंज इट्स शेप और साइज, उसको क्या कहते हैं बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स। द बॉडी कैन रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज और शेप आफ्टर रिमूविंग फोर्स, दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज इलास्टिसिटी, उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं। और जो बॉडी में बेटा ये प्रॉपर्टी पाई जाती है उसको इलास्टिक कहते हैं, जिस बॉडी में प्रॉपर्टी होगी उसको क्या कहते हैं, इलास्टिक कहते हैं। अब देखिए इसी चीज को मिलाकर दो हेडिंग्स बनाई गई आपके पास, जैसे आपने सुना होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मींस क्या हुआ, जो मॉलिक्यूल्स के इंटरनल पार्ट से वर्क करता है फोर्स उसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। और इंटरमोलिकुलर फोर्स की रेंज होती है बच्चा लेस देन 10^-10 meters। तो इसको कहीं कहीं बुक्स में लिखा जाता है 10^-9 meters। इसका मतलब है 10^-9 के अंदर कोई सब्सटेंस है तो वो हमारा क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स का ओबे करेगा। अगर उसकी रेंज ग्रेटर देन 10^-9 meters हो गई तो इट कांट ओबे इंटरमोलिकुलर फोर्स, वो इंटरमोलिकुलर फोर्स का ओबे नहीं करेगा। आपने इसमें दो नाम सुने होंगे, एक होता है हमारे पास कोहेसिव फोर्स और एक होता है एडहेसिव। कोहेसिव बेटा होता है जो सेम सब्सटेंस के बीच वर्क करे, सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में वर्क करे, वो होता है कोहेसिव, लाइक दैट हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। लेकिन जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच वर्क करता है वो होता है हमारा एडहेसिव, लाइक दैट H2O, तो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिल रहा है, N2O, दो नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन से मिल रहा है, तो ये होता है हमारा एडहेसिव फोर्स। ऐसे ही यहां पर भी इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, लेकिन उसका नाम हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। हम वर्ड यहां यूज करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स। तो फर्स्ट डेफिनेशन आई कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्ट्रेस समझो बेटा, मान लो कि आपके पास ये कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक एक्शन फोर्स लगाया, एक्शन फोर्स, ठीक है। तो एक्शन फोर्स लगाने से इसकी प्रॉपर्टी क्या है, एक अंदर से भी तो फोर्स लगा होगा। मान लीजिए आपने एक स्प्रिंग लिया, इलास्टिक कोई चीज ली, इलास्टिसिटी वाली, उसमें फोर्स लगाकर कंप्रेस किया, तो क्या कंप्रेस करने से उसका रिएक्शन फोर्स बाहर की तरफ भाग रहा होगा। आप स्प्रिंग ले लीजिए, आप स्प्रिंग को कंप्रेस कर दीजिए, तो कंप्रेस करने से एक्शन फोर्स तो अंदर चला गया, लेकिन रिएक्शन फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कैसे रीस्टोर होगा, जब वो बाहर की तरफ भागेगा। ऐसे ही अगर हम इलास्टिक की बात करें, उसमें एक्शन फोर्स बाहर, हम स्ट्रेस खींच रहे हैं, खींचोगे तो बॉडी कहां जाना चाहेगी, अंदर की तरफ जाना चाहेगी। इसका मतलब है कि इसका रीस्टोरिंग फोर्स बेटा कहां होगा, अंदर की तरफ होगा। अब इसी रीस्टोरिंग फोर्स जिस सरफेस पे लग रहा है, जिस सरफेस पर, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आप ले रहे हो, उसी के रेशियो को बेटा कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को कुछ बुक्स में सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ लोग पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सिग्मा से भी कर सकते हैं, पी से, लेकिन एनसीईआरटी सिग्मा लेती है तो आप सिग्मा ले लीजिए। तो सिग्मा इक्वल क्या बना बेटा, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज नोन एज स्ट्रेस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। फिर समझ लीजिए, आपने इलास्टिक कोई चीज ली, आप उसको खींच रहे हैं, तो जरा बताइए खींचने से एक्शन फोर्स तो बाहर गया, तो बताओ इट हैव टू टेंडेंसी टू रीस्टोर, ये चाहता है अपने आप को रीस्टोर करना, तो रीस्टोरिंग फोर्स कहां जाएगा, जस्ट अपोजिट ऑफ एक्शन फोर्स, जस्ट अपोजिट ऑफ एक्शन। तो हमको कौन सा फोर्स लेना बेटा, रीस्टोरिंग। हम कौन सा फोर्स नहीं लेंगे, एक्शन फोर्स हम नहीं लेंगे, हम लेंगे रिएक्शन कह सकते हो, और रिएक्शन ना बोलकर आप रीस्टोरिंग कहे तो और अच्छा है। तो बेटा फॉर्मूला क्या बना, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस विच इज नोन एज स्ट्रेस, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस। स्ट्रेस बेटा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन पर्टिकुलर नहीं होती है, इसलिए इसको क्वांटिटी कैसी है, स्केलर। वैसे ओरिजिनल तो देखो ये है तो टेंसर, टेंसर का मतलब जिसमें डायरेक्शन अपनी खुद की होती है, लेकिन हम लोग यहाँ पर टेंसर वर्ड ना यूज करके मोस्टली क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो ये क्वांटिटी कैसी है बेटा, स्केलर है, ठीक है। क्वांटिटी कैसी, स्केलर। क्या यूनिट इसकी न्यूटन, इसकी मीटर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही बेटा पास्कल कहते हैं,
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, पास्कल कहते हैं। तो हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कहें, हम पास्कल कहें, एक ही मीन्स होता है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इक्वल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो बेटा, जैसे इस फिगर को मैं यहां कह दूं कि यहां पर एरिया को बताइए, तो बताइए इसका एक्शन फोर्स कहां है। अगर आप इधर खींच रहे हो तो इसका एक्शन फोर्स इधर जाएगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स कहां जाएगा, अंदर की तरफ आएगा, मतलब सरफेस से अंदर की तरफ। अगर हम एक्शन फोर्स इधर लगा रहे हैं तो इसका रिस्टोरिंग फोर्स कहां जाएगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का, जस्ट अपोजिट, उसके दूसरे वाले सरफेस पर। तो रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज स्ट्रेस। स्ट्रेस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, यूनिट बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या शॉर्टकट में क्या कहते हैं, पास्कल। पास्कल इज द साइंटिस्ट, पास्कल नहीं प्रेशर को डिफाइन किया है, अभी नेक्स्ट चैप्टर में बात होगी। तो इसके साइंटिस्ट है पास्कल, या यूनिट कह सकते हो इसकी, क्या है बेटा, पास्कल। अब देखिए स्ट्रेस के तीन पार्ट होते हैं, स्ट्रेस के तीन पार्ट होते हैं। ये था हमारा, द बॉडी कैन रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर रिमूविंग द फोर्स विच इज नोन एज इलास्टिसिटी। बेटा डिफॉर्मिंग फोर्स क्या बना, बाय दैट फोर्स द बॉडी ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप और साइज, उसको क्या कहते हैं, डिफॉर्मिंग फोर्स। और स्ट्रेस क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ सब्सटेंस, उसको क्या बोलते हैं बेटा, स्ट्रेस। और स्ट्रेस के तीन पार्ट होते हैं, जरा पार्ट को ध्यान सुनिएगा। पहला पार्ट होता है बेटा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फर्स्ट पार्ट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। अब जरा इस बात को सुनना ध्यान से बेटा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस का मतलब क्या हुआ, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओ कि मान लो मैंने बेटा यहां पर एक वायर ले लिया, एक वायर, ठीक। इस वायर की लेंथ को बेटा हमने मान लिया लेट एल, ठीक है। और बेटा यहां पर हमने अभी जो मास लगाया है वो थोड़ा सा मान लीजिए कि नेग्लिजिबल है, मतलब उसका अमाउंट बहुत छोटा है। अब जैसे ही हम यहां पर मान लो थोड़ा कैपिटल एम लगा दें, थोड़ा बड़ा मास लगा दें, तो इसका वेट कहां जाएगा, नीचे की तरफ। इसका वेट कहां गया, नीचे। बेटा ये वायर होता है वन डायमेंशन, वायर होता है वन डायमेंशन, वायर 1D होता है, 1D का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, 1D का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम आपसे कहें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बताइए, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। फोर्स का मतलब यहां वेट से भी है, फोर्स का मतलब वेट से है। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, वेट अपान एरिया। बताओ वेट क्या, एम जी। बेटा एरिया क्या, पाई आर स्क्वायर। जैसे मान लो आपने कोई वायर लिया, उस वायर में 5 kg का मास लगा दिया, तो 5 kg का लगाते ही 5g डाउनवर्ड चला गया, ये वेट हो गया उसका। अब उस वायर में कुछ तो रेडियस होगी ना, तो रेडियस होगी तो एरिया होगा, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या बना, वेट अपान एरिया। इसी कुछ लोग फोर्स अपान एरिया भी कहते हैं, ठीक है। तो एम जी अपान पाई आर स्क्वायर। बेटा यूनिट सेम, यूनिट सेम, जो यूनिट इसकी होती है स्ट्रेस की, वह इसकी होती है, फर्स्ट पार्ट। फिर सेकंड पार्ट में आओ बेटा, वो होता है नॉर्मल स्ट्रेस। आपने एक चीज फील की होगी, आपने एक चीज फील की होगी कि जब किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर सरफेस पर डाल दें, तो वाटर में क्या होता है, फ्लूड प्रेशर। वाटर के पार्टिकल्स में होता है फ्लूड प्रेशर, जिसको आप लिक्विड प्रेशर भी कह सकते हैं। सारे लिक्विड पार्टिकल्स क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं किस पे, मान लो आप कंटेनर डाल दें, लेट कंटेनर नाम से समझ लें कि मैंने एक बॉल लिया, उसको नाम दे दिया मैंने कंटेनर, उस कंटेनर को मैंने पानी पे डाला, तो पानी पे डालते ही वाटर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं जो कंटेनर की वॉल के आसपास हैं, वो कंटेनर की वॉल पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। कंटेनर की वॉल पे क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं। अच्छा सोचो थोड़ा सा, अगर वो फोर्स लगाएंगे इसका मतलब है कहीं ना कहीं कुछ उसके स्ट्रक्चर में चेंजमेंट हो सकता है, इट मे बी और मे नॉट बी। वो अगर सॉलिड है प्योर तो नहीं करेगा, लेकिन अगर वो प्लास्टिक की लिमिट में आता है तो मे बी वो चेंज कर सकता है। तो मान लो कि थोड़ी देर के लिए हमारे पास बेटा यहां पर एक वाटर सरफेस भरा, यहां पर पानी भरा हुआ है, और यहां पर आपने एक बॉल ले ली, एक बॉल मान लीजिए कि आप यहां पर एक बॉल ले लेते हैं, ठीक। अब मान लीजिए कि ये एक बॉल लिया आपने,
इस बॉल पर फ्लूड प्रेशर लगा रहा है, फ्लूड लिक्विड क्या लगा रहा है, प्रेशर। तो प्रेशर तो क्योंकि डायरेक्शन होती नहीं, तो प्रेशर ना बोलकर बोलो फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स लगाएगा तो यहां पर जो लिक्विड हो गए पार्टिकल, ये ऐसे फोर्स लगाएंगे, ये इधर लगाएगा, ये इस पे लगाएगा, मतलब चारों तरफ से इस पे बेटा क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, चारों तरफ से फोर्स। क्या याद आया, इसी फोर्स को हम लोग पर्टिकुलर एक डायरेक्शन मान लेते थे क्लास नाइन्थ में और कहते थे थ्रस्ट। जब सारे फोर्स की डायरेक्शन एक मान लो डाउनवर्ड तो थ्रस्ट कहते थे, और सारे फोर्स की डायरेक्शन मिलाकर ऊपर मान लो तो आप थ्रस्ट कहते थे, उसी को आप लोग बियॉन्ड फोर्स भी कहते हो। देखो डायरेक्शन ध्यान सुनना, आपने जैसे आप हम लोग हम पानी के अंदर चले जाएं तो हमारे वॉल के सरफेस पर जितना हमारा सरफेस है चारों तरफ से फ्लूड क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। तो फोर्स अपान एरिया, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर का एरिया है, तो फोर्स अपान एरिया से ही तुमको क्या मिलता है, प्रेशर। फोर्स अपान एरिया को क्या कहते हो, प्रेशर कहते हो। अगर उसी वर्ड को मैं थोड़ा और डिफाइन कर दूं, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया इन इन सिंगल डायरेक्शन या इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, पूरा फोर्स लगा लेकिन मानोगे कहां, एक जगह, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रेशर। इसका सब्सटेंस का एरिया कितना मान लो ए, यहां से क्या लग रहा है, फोर्स, चारों तरफ से क्या लग रहा है, फोर्स। तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा है, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, एफ अपान ए, एफ अपान ए, और एफ अपान ए को बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रेशर। क्या बोलते हैं, प्रेशर। इसका मतलब नॉर्मल स्ट्रेस बोलूं तो आप क्या लिखना, पी, आप क्या लिखना, पी, और पी क्या होता है, प्रेशर। तो स्ट्रेस किसके इक्वल हो गया, प्रेशर। वैसे बेटा स्ट्रेस प्रेशर के इक्वल होता भी है, तो किसके इक्वल हो गया, प्रेशर। ये क्या बना, नॉर्मल स्ट्रेस। फिर बेटा थर्ड आया, तीसरा, जो टेंजेंशियल स्ट्रेस कहते हैं हम लोग, कुछ लोग सियरिंग स्ट्रेस कहते हैं, टेंजेंशियल कहो, टेंजेंशियल और सियर स्ट्रेस, सियर बोल दीजिए आप, सियरिंग बोल दीजिए, टेंजेंशियल कह दीजिए, टेंजेंट कह दीजिए, ये सब एक नाम है। जैसे थोड़ा सोचना, मेरे पास मान लीजिए कि स्ट्रक्चर दिया, ये सिलेंडर का स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, ये सिलेंडर का स्ट्रक्चर है बेटा। हमने यहां पर फोर्स लगाया, ध्यान सुनना, फोर्स लगाया, फोर्स लगाया, लेकिन बेस चेंज नहीं होना चाहिए, बेस का स्ट्रक्चर बदलना नहीं चाहिए। तो कुल मिला के जैसे मान लो ये सिलेंडर है, हमने यहां पे फोर्स लगाया, अब इसने अपनी पोजीशन को ऐसे कर दिया, ये अभी तक ऐसे था इस स्ट्रक्चर में, हमको टेंजेंट फोर्स लगाना, टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब होता है जो हॉरिजॉन्टल की तरफ हो, ठीक, ऐसे फोर्स लगाया, ऐसा लगाया कि बेस का स्ट्रक्चर नहीं बदलना चाहिए, बेस जहां पे वहीं रहेगा, तो ये स्ट्रक्चर ऐसे बदल दे रहा है। तो ये जो सेपरेशन हो गया कि यहां पर होना चाहिए सीधा, लेकिन थोड़ा कर्व हो गया, तिरछा हो गया, यही होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। फिर से ध्यान सुनना, मैंने यहां पर फोर्स लगाया तो बॉडी क्या करेगी, अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, चेंज करेगी तो क्या कर देगी, कुछ इस तरीके से, बेस वहीं पे था जहां होना चाहिए, लेकिन ये स्ट्रक्चर बदल गया, तो कितना शिफ्ट हो गया, ये बेटा शिफ्टिंग हो गई, इसको बेटा क्या बोलते हैं, थीटा, इसको क्या बोलते हैं, थीटा। तो लेट कितना चेंज, कितना चेंज, डेल्टा एक्स, कितना चेंज हो गया, डेल्टा एक्स। कितनी लेंथ थी, एल थी, बताओ फोर्स आपने लगाया, इसका एरिया होगा कि नहीं होगा, तो फॉर्मूला सेम, सिग्मा इक्वल एफ अपान ए, लेकिन ये एफ कौन सा, टेंजेंट, कौन सा फोर्स, टेंजेंट। जैसे कॉपी कॉपी, जैसे मान लीजिए कि ये कॉपी आपने ली, अब इस कॉपी पर हम फोर्स लगाएं, ठीक, फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर हम फोर्स लगाएं, ये स्ट्रक्चर, ये जो आप इसको टेंजेंट फोर्स लगाओगे तो ये बेस नहीं बदलेगा इसका, लेकिन जो ऊपर का पोर्शन है आप उसको देखना आगे की तरफ कुछ शिफ्ट हो जाता है, ये जो ये आप फोल्ड देखोगे ये कुछ आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसका मतलब है जो उसने चेंज किया सरफेस, बेस बदलना नहीं चाहिए। फिर जो आपने फोर्स लगाकर स्ट्रक्चर बदला उसी को कहते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल। आप बुक ले लीजिए, आपने बुक में नहीं देखा है कुछ लोग बुक का स्ट्रक्चर बदल के ऐसे किया करते हैं और पेज बाहर निकाल आते हैं, लेकिन बेस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है। वही जो फोर्स है उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल फोर्स, और उसी को फॉर्मूले को बेटा क्या कहते हैं, टेंजेंशियल
स्ट्रेस। क्या बोलते हैं? बस एक बात याद रखना कि बेस जहां पर है वहीं रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो पहला बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ये कितना होता है? वेट अपॉन एरिया एमजी अपॉन पाई आर स्क्वायर। नॉर्मल स्ट्रेस, एक बॉल को वाटर में डाल दो, फ्लूड चारों तरफ से फोर्स लगाएगा, इट मे बी साइज बदल सकता है, इट मे नॉट बी, हो सकता है ना भी बदले, लेकिन जो साइज फोर्स लगा रहा है कहां लगाएगा? उसके एरिया में लगाएगा, उसी को बेटा कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल से ही कंफर्म है, नॉर्मल का मीन्स होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल का मीन्स होता है, और डेफिनेशन दिखाई जाती थी क्लास नाइन्थ में थी, परपेंडिकुलर फोर्स पर यूनिट एरिया, उसी को बोलते हैं प्रेशर। इसका मतलब यहाँ सिग्मा किसके इक्वल है? पी के इक्वल है। और थर्ड बेटा टेंजेंशियल स्ट्रेस बोलो या सियर स्ट्रेस बोलो, इनका नाम एक ही होता है। ठीक है, पहले इतना नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट हेडिंग स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेन है तो वैसे बहुत ही इजी टॉपिक, स्ट्रेन को अगर हम नॉर्मल डेफिनेशन में बोलें तो ये कह सकते हैं बेटा चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन को बेटा स्ट्रेन कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन चाहो तो डेफिनेशन भी लिख सकते हो, द साइज ऑकर्ड इन इन डेफिनिट शेप ऑफ वायर, डेफिनिट स्ट्रक्चर ऑफ वायर इज नोन एज स्ट्रेन। तो इतना समझो स्ट्रेन है क्या, सिंपल में चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। आप डायमेंशन में जो चेंज करो उसको लिख दो, अपॉन में बेटा ओरिजिनल लिख दो, उसी को स्ट्रेन कहते हैं। क्या बेटा ये एक बात समझ में आई? अगर लेंथ में चेंज करोगे तो ओरिजिनल लेंथ, तो ये यूनिट लेस है, यूनिट लेस है बेटा, इसकी कोई भी यूनिट नहीं, तो कोई यूनिट नहीं होगी तो बेटा कोई डायमेंशन भी नहीं होगी। अगर कोई यूनिट नहीं होगी तो उसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी। ऐसे बेटा स्ट्रेन तीन तरीके के होते हैं हमारे पास। फर्स्ट स्ट्रेन होता है लॉन्गिट्यूडिनल, फर्स्ट होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब देखो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या, अभी मैंने एक बात समझाई ना कि आपने यहां पर एक वायर लिया, इस वायर की लेंथ आपने कितनी मानी बेटा L, ठीक है, यहां पर जो मास था वो स्मॉल m, मतलब स्मॉल m बहुत छोटा मास है बेटा, इस मास को थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया तो वायर में क्या आ जाएगा? एक्सटेंशन, खिंचाव आ जाएगा, वायर में एक्सटेंशन आ जाएगा। लोड, लोड का मतलब वेट, वेट रखने से वायर एक्सटेंड हो जाता है, यही साइंटिस्ट हुक्स का बिला है, अभी इसको बताएंगे हम कि वायर में जैसे ही आप लोड वेट रखोगे वो एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो बेटा यहां पर हमने जैसे ही मास एम लगाया तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ गई बेटा? हो गई एल डैश, कितनी हो गई? एल डैश। तो बताओ हाउ मच चेंज, मैं क्या डेल्टा एल निकाल सकता हूं? डेल्टा एल बेटा कैसे निकालेंगे? एल डैश में किसको घटा दें? एल को घटा दें, आपको क्या मिल जाएगा? डेल्टा एल, चेंज इन लेंथ मिल जाएगा, चेंज इन। बताओ ओरिजिनल कितनी बेटा? एल है, तो फॉर्मूला क्या बना स्ट्रेन का? एल एस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बताओ लेंथ कितनी बदली बेटा? डेल्टा एल। बताओ ओरिजिनल कितनी है? एल, तो फॉर्मूला क्या बना? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बेटा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लेंथ में जितना चेंज हो, जैसे कहते एक वायर है जो 5 मीटर लॉन्ग है, उसमें 10 kg का मास लगाते ही उसकी लेंथ बढ़कर हो गई 6 मीटर, इसका मतलब पहले 5 थी फिर 6 हो गई तो 1 मीटर बढ़ गई, तो इसको कहते हैं डेल्टा एल। ओरिजिनल कितनी थी? 5 मीटर, तो डेल्टा एल अपॉन एल को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, फिर सेकंड बेटा, सेकंड आया हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक, अब जरा इसको समझो, देखो जैसे यहां पर लिक्विड था, ठीक है लिक्विड है,
और कुछ होशियार लोग बात कर रहे हैं। हाँ तो बेइज्जती को तैयार रहे। यहां पर हमने एक बॉल ली बेटा, एक बॉल ली ठीक। इस बॉल फ्लूड क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है। प्रेशर कहूं तो फोर्स आता है, फोर्स कहूं तो प्रेशर आता है, दोनों एक दूसरे के रिलेशन में पी इक्वल एफ अपॉन ए होता है। तो अगर फोर्स है तो प्रेशर जरूर आएगा बेटा। तो फ्लूड क्या लगा रहा है, प्रेशर किस पे लगा रहा है, इस कंटेनर की वॉल पे, कंटेनर की वॉल पे। तो मान लो बेटा चारों तरफ से जब फोर्स लगा, तो अगर चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हो तो बेटा अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी ना कि इट मे बी हो सकता है कि अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दे। तो अगर स्ट्रक्चर को उसने चेंज कर दिया और सपोज दैट कि ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये कुछ इस तरीके से बन गया, मतलब पहले स्ट्रक्चर कुछ और था, अब स्ट्रक्चर ये बन गया, तो बताओ क्या हमको ऐसा लग रहा है इस सरफेस ने अपना वॉल्यूम कम कर दिया, इस सरफेस ने अपना वॉल्यूम कम कर दिया। तो कम कर दिया तो बताओ डेल्टा वी कैसे निकालोगे। ओरिजिनल था वी, ओरिजिनल था वी, फिर कम होकर हो गया वी डैश, कम होकर हो गया वी डैश, तो डेल्टा वी इक्वल वी माइनस वी डैश। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन, क्या वी डैश वी से बड़ा नहीं हो सकता, तो नहीं हो सकता। आप किसी ऑब्जेक्ट को वाटर पे डाल दो तो वाटर को खींच थोड़ी पाओगे, वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट को खींच नहीं पाओगे, उसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा पाओगे, उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। क्यों? क्योंकि उसका शेप बदल जाएगा, उसके शेप में कुछ ना कुछ स्लाइटली चेंज कैसे आएगा बेटा, रेडियस बदल जाएगी, रेडियस बदल जाएगी तो उसका वॉल्यूम भी बदल जाएगा। तो क्यों बदल जाए, कोई आपसे पूछे रीजन बता दीजिए, तो आप बता दीजिए कि फ्लूड क्या करता है, फोर्स लगाता है, कहां लगाता है, कंटेनर वॉल पे, कंटेनर वॉल पे कहां लगाता है, पूरे सराउंडिंग से चारों तरफ से। तो जब फोर्स कोई क्रिएट करेगा किसी चीज पर कंटिन्यू, तो इट मे बी चेंज ऑफ स्ट्रक्चर, वो हो सकता है कि अपने स्ट्रक्चर को बदल दे। तो डेल्टा वी कितना, ओरिजिनल था बेटा वी, फिर घट के कितना वी डैश, तो वी माइनस वी डैश को क्या कहोगे, डेल्टा वी, डेल्टा वी। अब सोचो बेटा, तो वॉल्यूम स्ट्रेन क्या बना, वॉल्यूम स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या है, डेल्टा वी। वो बताओ ओरिजिनल वॉल्यूम कितना है, वी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये बेटा फॉर्मूला होता है, डेल्टा वी वॉल्यूम स्ट्रेन इक्वल डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा वी क्या है, चेंज इन वॉल्यूम, बेटा वी क्या है, ओरिजिनल वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम स्ट्रेन ठीक। अब तीसरा पार्ट इसका देखो, तीसरा पार्ट बेटा आया शियरिंग स्ट्रेन, कौन, शियरिंग स्ट्रेन। तो शियरिंग स्ट्रेन जरा देखो, शियरिंग स्ट्रेन देखो, अभी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, ये सिलेंडर है ठीक, ये इसका सरफेस है, ये इसका सरफेस है बेटा। आपने यहां फोर्स लगाया था, टेंजेंट फोर्स एफ लगाया था, बताओ फोर्स लगाने से इसने क्या किया था, अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया था ठीक। ये कुछ ऐसा था, ये सरफेस ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये इतना बेंड हो गया, इतना बेंड हो गया, बताओ कितना चेंज हुआ, डेल्टा एक्स। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, एल, एंगल कितना, थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये हाइपोटेनस, तो टैन थीटा इक्वल इक्वल परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर अपान बेस, परपेंडिकुलर कितना, थीटा का फ्रंट, डेल्टा एक्स बेटा 90, हाइपोटेनस नहीं चाहिए, बेस कितना, एल, बेस कितना, एल, एंगल वेरी स्मॉल, तो टैन थीटा को हम क्या मानेंगे, थीटा, और थीटा को क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपान एल, थीटा को क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स अपान एल। देखो अगर ये टेन थीटा नहीं लिखना मत लिखो, एंगल इक्वल होता है आर्क अपान रेडियस, आर्क अपान रेडियस या आर्क अपान लेंथ, आर्क कितना सामने लिखा है, डेल्टा एक्स, और लेंथ कितनी, एल ठीक। तो ये कौन सा स्ट्रेन है बेटा, शियरिंग स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेन में क्या करता है, ऑब्जेक्ट कैन चेंज इट्स शेप, ऑब्जेक्ट अपना शेप बदल देता है। तो ये फॉर्मूला ये कह सकते हो कि हर फॉर्मूले में अप्लाई होता है, जहां पर भी आपसे शियरिंग स्ट्रेन की बात कहे वहां पर आप तुरंत क्या करेंगे,
बढ़ी हुई लेंथ जो शिफ्ट हो रही है, जो शिफ्ट हो, जितनी शिफ्ट हो जाए अपान में ओरिजिनल लेंथ, अपान में ओरिजिनल लेंथ। तो क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इसी का मिलता जुलता हम लिखे हैं? बस अंतर क्या है, यहां पर थीटा एंगल नहीं था और यहां पर बेटा थीटा एंगल है। तो आप लिख सकते हो चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन, इसको कहते हैं सियरिंग स्ट्रेन। ये है बेटा वॉल्यूम स्ट्रेन और ये वाला लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन डायमेंशन अपान ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक, नोट कर लें इसको। अब देखिए बेटा, एक साइंटिस्ट हुक्स ने एक रूल दिया था और ये एक नंबर के मार्क्स में पूछा जाता है अक्सर। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, हुक्स लॉ जिसको कहते हैं। साइंटिस्ट हुक ने एक रूल दिया था, उस रूल को सुनना बेटा। इन्होंने एक बात कही थी कि जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड ऑफ वायर। जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन वो बच्चा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड ऑफ वायर। वायर में जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा स्ट्रेन, और स्ट्रेन आप जानते हो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। फिर उन्होंने एक सेकंड रूल दिया कि नहीं, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलोंगेशन, मतलब इलोंगेशन का मतलब एक्सटेंशन, इसके बेटा एक्सटेंशन ऑफ फायर कि मतलब जितना ज्यादा एक्सटेंशन होगा उतना ज्यादा स्ट्रेस, या जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा एक्सटेंशन होगा। और इन्हीं दोनों को मिलाकर, क्योंकि एक्सटेंशन ऑफ वायर को ही लोड ऑफ वायर कहते हैं, लोड ऑफ वायर, इन्हीं दोनों को मिलाकर एक बात बता दी कि स्ट्रेन को छोटा रखो, स्ट्रेन स्मॉल। अच्छा ध्यान सुनना, मैंने स्मॉल क्यों बोला बेटा? स्ट्रेन लार्ज कर दोगे, एक वायर में 10 kg का मास लगा दो लेंथ बढ़ेगी, 20 kg का लगा दो बढ़ेगी, 40 kg लगा दो हो सकता है ब्रेक हो जाए, हो सकता है वायर, जब वायर ब्रेक हो जाएगा तो फिर क्या मेजर कर लोगे? तो मेजर होगा नहीं लेंथ। तो स्ट्रेन को छोटा रखेंगे, स्ट्रेन को छोटा रखेंगे तब बेटा स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन। कब? जब हम स्ट्रेन को छोटा रखें, तो स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्ट्रेन के। तो बेटा स्ट्रेस इक्वल ई इनटू स्ट्रेन, बेटा इसी ई को मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसी ई को क्या बोलते हैं? मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं बच्चा? मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको शॉर्टकट में कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं, कोफिशियंट ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर ई बेटा क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ई बेटा क्या है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, मतलब वायर में जितना ज्यादा लोड उतना ज्यादा वायर की लेंथ बढ़ेगी, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, एक सर्टेन लिमिट तक। फिर दूसरी बात, वायर जितना ज्यादा इलोंगेशन, जितना ज्यादा बढ़ेगा, तो बढ़ेगा कब? जब लोड ज्यादा रखोगे। तो लोड कब ज्यादा रखोगे? जब मास ज्यादा रखोगे। मास ज्यादा रखने का मतलब स्ट्रेस, फोर्स अपान एरिया, फोर्स अपान एरिया। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ज्यादा एक्सटेंशन ऑफ वायर, उतना ही ज्यादा लोड ऑफ वायर। तो इन दोनों फिनोमिना को मिलाकर क्या बता दिया? स्ट्रेन को छोटा रखो। स्ट्रेन बहुत बड़ा होगा बेटा तो टेंसाइल हो जाएगा, टेंसाइल हो जाएगा, हाइड्रोस्टैटिक हो जाएगा, मतलब ब्रेक हो जाएगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाएगा, तो आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो स्ट्रेन को छोटा रखो, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन। तो इसको क्या कहते हैं? ई। ई को क्या कहते हैं? मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। और बेटा ये तीन तरीके के होते हैं, यंग मॉड्यूलेशन, बल्क मॉड्यूलेशन और मॉड्यूल्स ऑफ रिगिडिटी। तीन चीजें आपने स्ट्रेस कितने पढ़े? तीन। स्ट्रेन कितने पढ़े? तीन। ये तीनों आपस में मिल जाएंगे, तीन बना देंगे नई डेफिनेशन, ठीक है, जो सबसे मेन है इस चैप्टर के लिए। तो ई को क्या कहते हैं? मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। कुछ लोग कहते हैं इलास्टिसिटी कॉन्स्टेंट, जो होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बेटा स्ट्रेन की कोई यूनिट? स्ट्रेस की क्या होती है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब है जो इसकी होगी वही तो इसकी होगी, क्योंकि स्ट्रेन की होती ही नहीं, तो बताओ इसकी यूनिट क्या बन गई? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन को छोटा रखो तो स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होता है?
स्ट्रेन के, इसी को फिगर में, एक एनसीईआरटी में इसका फिगर भी बना है बेटा, एनसीईआरटी में इसका फिगर है स्ट्रेन, ठीक, और एक्सटेंशन, इसमें फिगर एनसीईआरटी में बना है, ठीक। जितनी स्ट्रेन बढ़ेगी उतना एक्सटेंशन बढ़ेगा, जितना एक्सटेंशन बढ़ेगा उतनी स्ट्रेन बढ़ेगी, क्यों, एक वायर की लेंथ 5 मीटर वो आपने बढ़ाकर कर दी 9 मीटर तो 4 मीटर बढ़ गई, और 5 मीटर से बढ़ाकर 6 भी हो सकता था, 5.1 भी हो सकता था, 5.2 भी हो सकता था, लेकिन समस्या ये कि जब 5 से बढ़ाकर तुम 10 कर दोगे तो वायर टूट जाएगा, कभी ऐसा होता ही नहीं वायर की ओरिजिनल लेंथ से ज्यादा कुछ बढ़ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए यहां वर्ड यूज किया गया स्ट्रेन स्मॉल, स्ट्रेन को छोटा रखना, तब स्ट्रेस किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन के, स्ट्रेन आप जानते हैं और स्ट्रेस भी आप जानते हैं, इसको ई कहते हैं, ई का नाम क्या है बेटा, मॉड्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी, और यही फिनोमिना साइंटिस्ट हुक्स ने दिया था। तो आपसे कभी हुक्स ला कोई पूछे तो आप लिखना, इफ स्ट्रेन इज स्मॉल, जब स्ट्रेन छोटा हो तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, इसके स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेन के, और यही हुक्स ला है, ठीक है, ओके, नोट कर लो।